हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं भाग फोर में, अवकल समीकरण भाग फोर। तो चलिए इसको समझा देते हैं। भाग फोर में क्या क्या बताने वाले हैं हम? तो भाग फोर में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी भी समीकरण को अवकल किसी भी अवकल समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी जरूरत होनी चाहिए। तो कितने प्रकार से हम अगर हल करते हैं, अगर टाइप की बात किया जाए, तो हमने इसके पहले वाले ही वीडियो में हमने बता दिया था कि इसको चार प्रकार से हल करते हैं। तो हमने दो प्रकार तो बता दिया, तीसरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वो तीसरा क्या है? वो तीसरा है, दोनों पक्षों का समाकलन तो करते ही हैं, क्योंकि इसके पहले वाले हमने वीडियो में बता दिया है। यदि उसको नहीं देखे आप, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, क्लिक करके देख लीजिए। तो दोनों पक्षों का समाकलन तो करते हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे पृथक करके हल करेंगे। पृथक करके हल करने वाले हैं। अब ये पृथक क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। जैसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, इसको क्या करना है, हल करना है। हल कीजिए। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए पृथक क्या होता है, पृथक का मतलब वाई को वाई के बट्टे में रखना है, एक्स को एक्स के बट्टे में, एक्स के पास भेज देते हैं ताकि दोनों को एक साथ हल कर सकें। लिखेंगे डी वाई बाई बट्टे वाई बराबर माइनस डी एक्स बट्टे एक्स। हमने वाई को वाई के साथ, एक्स को एक्स के साथ पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन ले लेना है, जैसे कि इसके पहले वाले हमने एपिसोड में किया था, इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई बराबर इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर कर लेते हैं, डी एक्स बटे एक्स। अब देखिए वन अपन वाई किसका फॉर्मूला होता है, लॉग वाई का, लॉग वाई हो गया, और इज इक्वल टू, इस साइड अगर देखा जाए तो माइनस लॉग एक्स का ये है। अब प्लस सी यहाँ पे लगा लेते हैं क्वेश्चंस के लिए। फिर उसके बाद प्लस सी है, तो सी को क्या लिखेंगे, देखिए दोनों लॉग के रूप में है तो इसको भी लॉग बनाना पड़ेगा, तो लिखेंगे लॉग सी, जबकि ये सी बराबर क्या है, लॉग सी, या सी वन डाल देते हैं, अगर प्रॉब्लम दो दो सी हो जाएगा इसलिए सी वन डाल देते हैं, सी वन बराबर लॉग सी। ठीक है, अब देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, लॉग वाई प्लस लॉग एक्स बराबर लॉग सी। फिर आगे देखिए लॉग वाई प्लस लॉग एक्स, ये फॉर्मूला होता है लॉग वाई एक्स का बराबर लॉग सी। अब लॉग से लॉग अगर कैंसिल होता है तो वाई एक्स या एक्स वाई दोनों एक ही होता है बराबर सी के, हमें क्या मिल गया, ये इसका हल मिल गया। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी को कहते हैं पृथक करके हल करना, कि वाई को वाई के पास, एक्स को एक्स के पास हल करके भेज कर हल करना। क्वेश्चन नंबर टू समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू में अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस, मतलब ये क्वेश्चन है, को हल कीजिए। क्या करते हैं, एक्स को एक्स के पास भेजते हैं, वाई को वाई के पास, क्योंकि हमें पृथक करके हल करना है। तो करते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन को ले लेते हैं, अभी से अंडर रूट को अलग अलग लगा लेते हैं, बट्टे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और इज इक्वल टू के क्या था, जीरो, तो ले लेते हैं जीरो के। अब इसके बाद इसको भेज देते हैं इधर, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, डी वाई वाई बट्टे वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स बट्टे वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं प्लस है, और बराबर की जीरो,
तो जीरो तो ले लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस लेना है तो सी ले लेते हैं। फिर इसके बाद ये फॉर्मूला, अब क्या करना है, समाकलन लगा लेते हैं। इंटीग्रेशन डी वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर रूट में प्लस डी एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। हम यहाँ पे सी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमने समाकलन नहीं लिया था, अब यहाँ पे सी लगा सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स वाई का प्लस ये होता है साइन इनवर्स एक्स का बराबर सी, ये हमें मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री से। क्वेश्चन नंबर थ्री बताना शुरू करते हैं। बताने से पहले हम थोड़ा ऊपर एक बार फिर से चले जाते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि ये कैसे हो गया, कुछ लोग यहाँ पे आप डाउट होगा ये कैसे हो गया, तो देखिए कैसे हो गया। इसको भेजते हैं इस साइड, सॉरी नहीं दिख रहा है आपको, इस चीज को इस साइड भेजते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करने पे ये आ जाएगा इसके नीचे और ये आ जाएगा इसके ऊपर। आने के बाद ये इस साइड माइनस में रहेगा और इधर भेज देंगे प्लस में आ जाएगा, प्लस में करने के बाद इसको हल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं तीन नंबर पे। अब इस तीन नंबर में क्या है देख लीजिए, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, समाकलन लगा लेते हैं। समाकलन वही चीज फिर करेंगे, तो इंटीग्रेशन एक्स पावर थ्री डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई प्लस वन की पावर टू डी वाई इज इक्वल टू, इधर कॉस टेंस ले लेते हैं। अब देखिए इसका जब समाकलन करेंगे तो एक्स के पावर फोर बटे फोर प्लस, अब इसका समाकलन करेंगे यहाँ पे पावर टू है, इसका समाकलन करेंगे तो वाई प्लस वन के पावर टू पहले से ही हो जाएगा थ्री के बटे थ्री इज इक्वल टू सी वन। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं फोर वाई प्लस वन के पावर थ्री इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस थ्री एक्स के पावर फोर इज इक्वल टू सी वन। ये देखिए कैसे हो गया, ये इस तरह से कर सकते हैं, ये हो गया। इसका पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो आएगा एलसीएम वो उधर भेज देंगे क्वेश्चंस में, तो जीरो हो जाएगा, जैसे हमारा जीरो आता चल रहा था क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या था, जीरो था, तो जीरो में अगर ये दोनों मल्टीप्लाई एलसीएम कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिए तो क्वेश्चंस रहने देंगे, बाकी इसका गुणा इधर और इसका फोर का गुणा इधर करके ला देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा आंसर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर से। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर है, ये इज इक्वल टू के यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या करना है, पृथक करना है, मतलब वाई को वाई के पास भेज देना है, एक्स को एक्स के पास, तिर्यक गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस साइन वाई डी वाई बराबर डी एक्स, हमने तिर्यक गुणा कर लिया। अब समाकलन लगाएंगे दोनों पक्षों में, इंटीग्रेशन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसका जब करेंगे तो वाई स्क्वायर बट्टे टू प्लस इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे लिखें वाई है तो लिखेंगे माइनस में, तो ये हटा देते हैं माइनस कॉस वाई बराबर डी एक्स का हो गया एक्स प्लस सी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या ऐसे छोड़ सकते हैं, तो क्या करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इतना छोड़ देते हैं, ये मिल जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चार क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो नेक्स्ट भाग को जरूर देखिएगा जो कि अवकल समीकरण का भाग फोर है, सॉरी भाग फाइव है, जो वीडियो लास्ट बनाया जाएगा अवकल समीकरण के लिए।